हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सौतेली माँ और चुड़ैल का अत्याचार। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है दिल्ली शहर की, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते थे। वहीं पर एक छोटा सा घर था। उस घर में एक परी नाम की बच्ची और उसके पिता सुधीर, उसकी माता सुनीता रहते थे। सुनीता और सुधीर अपनी बेटी परी से बहुत प्यार करते थे। परी बहुत शांत स्वभाव वाली बच्ची थी। एक दिन परी की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वह इस दुनिया में नहीं रहती। परी की सारी जिम्मेदारी सुधीर पर आ जाती है। सुधीर कहता है, परी बेटा तुम घर पर रहो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, और तुम घर से बाहर मत जाना। इतना कहकर सुधीर ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर वह परी के लिए चिंतित रहता है कि मैं परी को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। सुधीर ऑफिस पहुँच जाता है। सुधीर कहता है, अरे आज तुम्हें बहुत लेट हो गया, आज बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेता हूँ। सुधीर अपना काम खत्म करता है, तभी सुधीर के बॉस कहते हैं, आओ सुधीर यहाँ मेरे पास बैठ। सुधीर बॉस के पास बैठा होता है, तभी सुधीर को अचानक से परी का ध्यान आता है कि परी घर अकेली है, मुझे घर जाना पड़ेगा। और थोड़ी देर ही बाद सुधीर ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। सुधीर को घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाती है। सुधीर घर आ जाता है और वह देखता है कि परी सोफे पे बैठी रो रही होती है। तभी सुधीर कहता है, क्या हुआ परी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? परी कहती है, पिताजी आपको आने में बहुत देर हो गई, मुझे डर लग रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी, आपने आने में बहुत देर कर दी। माँ होती तो मुझे अकेला घर कभी नहीं छोड़ती। सुधीर कहता है, मैं परी की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, परी को माँ की बहुत जरूरत है। कुछ ही दिनों में सुधीर गुंजन से शादी करके उसे घर ले आता है। परी गुंजन और सुरेश को अपनी तरफ आता देख परी कमरे में भाग जाती है, और परी के पीछे सुरेश और गुंजन भी चले जाते हैं। गुंजन कहती है, परी बेटा मेरे पास आओ, और मैं तुम्हारी नई माँ हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह प्यार करूँगी। परी गुंजन के पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये सब देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। अगले दिन सुरेश खुश होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, ऑफिस समय से भी पहुंच जाता है। सुरेश के ऑफिस जाते ही गुंजन परी के साथ सौतेली माँ की तरह व्यवहार करने लगती है, उसे मारती है, पीटती है और उसे पूरे घर का काम करवाती। सुरेश ऑफिस से घर आता है और कहता है, परी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। गुंजन कहती है, परी अपने कमरे में सो रही है, सारा दिन खेलते खेलते थक जाती है, सो रही है। परी खिड़की पर बैठकर रोते हुए अपनी माँ को याद कर रही होती है। कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, मुझे आपकी बहुत याद आती है। सुरेश परी को काम करते हुए देख लेता है। गुंजन से कहता है, तुम मेरे पीछे से मेरी बेटी से काम करवाती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुरेश गुंजन को मारने लगता है। गुंजन रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगी। सुरेश परी के पास आकर कहता है, परी बेटा तुम अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें गांव तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आऊंगा। अगले ही दिन सुरेश और परी गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में घना जंगल दिखाई देता है। जंगल की चुड़ैल गाड़ी को देखकर पागल हो जाती है और उनकी गाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाती है। उन्हें पता नहीं होता। सुरेश की माँ कहती है, कैसी हो परी बेटा? परी कहती है, दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुरेश कहता आए माँ मैं चलता हूँ, परी को अब आप ही संभालो। सुरेश शहर के लिए निकल जाता है। सुरेश की माँ परी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार करती है।